प्रिपरेशन वाला पार्ट हो गया। मैं अब आपको पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके लिए बनाऊंगा, समझने का प्रयास करिएगा। हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो सकती हैं, कंफ्यूजन मत करिए, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब आपने अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को अरेंज किया था, ठीक है, जब आपने अपने क्रिस्टलाइन सॉरी माफ करिएगा जब आप अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को अरेंज कर रहे थे, ठीक है, इस तरीके से जब अरेंज कर रहे थे तो आपको पता है ये कुछ फ्री स्पेस दिखाई देता है। ये क्या दिखाई देता है? ये आपका फ्री स्पेस दिखाई देता है, ठीक है। इसी को हम लोग एम्प्टी स्पेस भी ये कहते हैं, और आपको मैं बता दूं इसी को वॉइड कहते हैं, ठीक है, इसी को वॉइड कहते हैं। इस फ्री स्पेस को ही हम लोग एम्प्टी स्पेस कहते हैं या वॉइड स्पेस कहते हैं, वॉइड कहते हैं, होल्स कहते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, मेरी आपसे ऑलरेडी बात हो चुकी है कि सिंपली क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी हमारी निकलकर आ चुकी है कितनी। पैकिंग एफिशिएंसी मेरी निकलकर आ चुकी है 52.4%। पीसीसी की अगर मैं बात करूं तो ये मेरी निकलकर आ चुकी है 68%, और एफसीसी की अगर मैं बात करूं तो ये मेरी निकलकर आ चुकी है 74%, ठीक है। चलिए हटा दूं मैं से, ओके। आपको पता है कि ये सिंपली क्यूबिक में 52.4% हार्ड स्पेयर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है। बाकी का कितना बचा? बाकी का कितना बचा? बस यही दिमाग लगाना है, बाकी का कितना बचा? बाकी का जो बचा वो होगा 47.6%, और वो होगा इसका फ्री स्पेस। लेस कर दीजिए 100 में से, वो होगा इसका फ्री स्पेस। यहां फ्री स्पेस इतना आएगा बीसीसी के लिए 32% आएगा, और 74 में को 100 में से हटा दीजिए 26 आएगा। तो यहां देखिए छोटी छोटी बातें हो सकती हैं कि भैया सबसे ज्यादा फ्री स्पेस कहां मिलता है? सर सिंपली क्यूबिक में। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा फ्री स्पेस कहां है, एम्प्टी स्पेस कहां है, वॉइड स्पेस कहां है, सिंपली क्यूबिक में। सबसे लेस स्पेस कहां है? एफसीसी में। सबसे लेस स्पेस कहां है? एफसीसी में। मैक्सिमम एफिशिएंसी कहां मिलेगी? एफसीसी में। और लेस एफिशिएंसी कहां मिलेगी आपको? ध्यान से देख लीजिएगा, 52.4% सिंपली क्यूबिक में। तो मैं कह सकता हूं एफसीसी का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, उसके बाद बीसीसी का, और उसके बाद होगा सिंपली क्यूबिक का। वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 74%, 68%, 52.4%। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी की सबसे ज्यादा होगी, बीसीसी की उससे कम होगी, सिंपली क्यूबिक की उससे भी कम होगी, ठीक है। अगर ठीक इस ऑर्डर को उल्टा कर लेते हैं, सिंपली क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, मैंने क्या कहा था आपसे, ठीक इस ऑर्डर को उल्टा कर लेते हैं तो आपको पता सबसे ज्यादा फ्री स्पेस किसके पास था? सिंपली क्यूबिक के पास, ठीक है। और उससे कम किसके पास था? उससे कम वैल्यू किसके पास थी? 32%, और उससे कम किसके पास थी? 26%। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा फ्री स्पेस का, ठीक है। ये पैकिंग एफिशिएंसी का, ये पैकिंग एफिशिएंसी का, और ये आपका एम्प्टी स्पेस का, ठीक है। एक नया ऑर्डर लिया है हम पकड़ पकड़ कर, ठीक है। चलिए छोटी छोटी बातें बना ली, ऑर्डर पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसमें ज्यादा किसमें कम, एफिशिएंसी किसमें ज्यादा किसमें कम, फ्री स्पेस किसमें ज्यादा किसमें कम, तो इस तरीके की बातें हम लोग आपसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। चलिए और बात करते हैं, हटा दूं, इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आपने जो पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी सिंपली क्यूबिक की, बीसीसी की और एफसीसी की, सिंपली क्यूबिक की आपने जो एफिशिएंसी निकाली थी मेरे बच्चे वो थी 52.4%, 68% और 74%, ठीक है। अगर आप एफिशिएंसी को ईच एफिशिएंसी में, ध्यान से देखिएगा, ईच एफिशिएंसी में अगर आप 100 का डिवाइड कर देते हैं, ईच एफिशिएंसी में अगर आप 100 का डिवाइड कर देते हैं तो मेरे बच्चे निकलकर आएगा पैकिंग फ्रैक्शन।
क्या निकल कर आएगा, एक नई चीज आ गई हमारे पास, क्या निकल कर आएगा, फ्रैक्शन। अगर आप ईच एफिशिएंसी में 100 का डिवाइड कर देते हैं तो आएगा फ्रैक्शन, और वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वापस आपको मिल जाएगा, वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, एफिशिएंसी। तो डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0.524, यहां डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0.68, ठीक है, और यहां डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0.74। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन, दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन एंड दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी, दोनों फर्क है, ठीक। चलिए, पैकिंग फ्रैक्शन हमारा आ गया सिंपली क्यूबिक का आ गया बेटा 0.524, बीसीसी का हमारे पास आ गया 0.68 और एफसीसी का हमारे पास आ गया कितना, 0.74। अगर मेरे बच्चे 1 में से अगर आप इस वैल्यू को लेस कर देते हैं तो आपका निकल कर आ जाएगा वर्ल्ड फ्रैक्शन। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन था एक बार, ये आपका निकल कर आएगा वर्ल्ड फ्रैक्शन। यहां पे वर्ल्ड फ्रैक्शन कितना हुआ, 0.476, ठीक है, 0.476 के आसपास होगा ये। यहां पर निकल कर आएगा 0.32, और यहां पर निकल कर आएगा 0.26। तो दिस इज द वर्ल्ड फ्रैक्शन, ठीक है, दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन, दिस इज द एफिशिएंसी, और फ्री स्पेस की बात, एम्प्टी स्पेस की बात मैं कर चुका हूं, ठीक है। मैंने ऑर्डर बनाए थे एफिशिएंसी का, एम्प्टी स्पेस का, पैकिंग फ्रैक्शन। सबसे ज्यादा पैकिंग किसकी होगी, सबसे ज्यादा पैकिंग होगी एफसीसी की, ठीक है। वर्ड फ्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां होगा, सिंपली क्यूबिक में होगा, और सबसे कम कहां होगा, एफसीसी में होगा। एक बात और आपको मैं बतानी थी ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, एफसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी थी 74%, वही मेरे बच्चे एससीपी की होती है, आप कंफ्यूज ना हो, और वही मेरे बच्चे सीसीपी की होती है, ये बात मैंने पैकिंग में भी बताई थी आपको, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो, कोई पूछ ले व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी, एससीपी 74 होगी, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीसीपी 74 होगी, व्हाट इज द एम्प्टी स्पेस ऑफ सीसीपी 26 होगा, व्हाट इज द एम्प्टी स्पेस एससीपी वो भी 26 होगा, ठीक है। आज कुछ अलग बात करी थी हमने आप लोगों के लिए, आप बार बार देखा करें, अगर समझ में नहीं आता ये कोई बात, और मैं बार बार बोल चुका हूं कि कुछ समझ में नहीं आता था, पर्सनली मेरे पास मैसेज करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।